नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप क्लाउड फ्लेयर में अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर यानी कि सेटअप कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो यानी कि प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच किया है, वेयर इज फ्री CDN और एक्चुअली CDN क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ जाकर आप आसानी से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से क्लाउड फ्लेयर में अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्राउज़र में ओपन करना है cloudflare.com वेबसाइट को। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्लाउड फ्लेयर वेबसाइट को ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपके पास क्लाउड फ्लेयर का अकाउंट नहीं है और आप एक न्यू यूज़र है तो आपको यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है साइन अप बटन पे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे आपको क्रिएट करना है नया अकाउंट और आपको ऐड करनी है आपकी वेबसाइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है आपका ईमेल एड्रेस। जैसे आप ईमेल और पासवर्ड लिखते हो, इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आई एग्री टू क्लाउड फ्लेयर टर्म एंड कंडीशन, वहाँ पे आपको चेक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऐड करनी है आपकी वेबसाइट। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आपको डोमेन नेम ऐड करना है, यानी कि आपको जाना है आपके डोमेन में। तो यहाँ पे इसे आप यहाँ पे कॉपी कर ले इस तरह से, और आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी सकते हो अगर लिखना चाहते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख करना है स्कैन DNS। तो देखिए यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ये डिपेंड करता है, थोड़े टाइम में ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगी आपके सभी DNS यानी कि DNS जोन के रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली DNS रिकॉर्ड स्कैन हो चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली DNS रिकॉर्ड स्कैन हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सभी आपके डोमेन के रिकॉर्ड दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं ये पूरी सीरीज में आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह से फ्री में लाइफ टाइम के लिए CDN यूज़ कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे देखिए आपको पहला वाला ऑप्शन है फ्री वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर आपको कह रहा है कि आपको नेम सर्वर चेंज करने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो डार्क यानी कि बोल्ड दिखाई देखे, आपको ये नेम सर्वर आपके डोमेन नेम सर्वर से चेंज करने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पेज को यहीं रहने दीजिए और आपको जाना है आपके जहाँ पे आपने डोमेन परचेस किया है, जैसे कि आप जहाँ पे आपने परचेस किया है GoDaddy होगा, ब्लू होस्ट। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास है ग्लोब होस्ट। तो आपके आपको जाना है आपके क्लाइंट एरिया में। इसके बाद आपको क्लिक करना है डोमेन सेक्शन में। अगर आपके पास GoDaddy है तो आपको वहाँ पे भी डोमेन सेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डोमेन पे क्लिक नहीं करना है, इसके साइड में कहाँ भी जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो आपकी डोमेन की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे डोमेन की पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको एक देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखे देगा चेंज द नेम सर्वर। तो वहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो हमें क्या करना है, इस दो नेम सर्वर को हमें रिप्लेस करना है इस नेम सर्वर से। तो इसे देखिए यहाँ पे हम इस तरह से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देते हैं ये पहला वाला। तो देखिए यहाँ पे हमने सक्सेसफुली नेम सर्वर को कॉपी पेस्ट कर दी। इसके बाद यहाँ पे आपको चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे चेंज सक्सेसफुली, तो यहाँ इसका मतलब कि हमने यहाँ पे नेम सर्वर सक्सेसफुली चेंज कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना है फिर से क्लाउड फ्लेयर वेबसाइट में और यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सक्सेसफुली हमारी वेबसाइट को क्लाउड फ्लेयर अकाउंट में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जो करंटली स्टेटस है वो नॉट एक्टिव है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपको इसका कोई लिमिट नहीं होता कि आपको कितना समय लगेगा आपकी वेबसाइट इसमें एक्टिव होने में। 10 मिनट लगते हैं, इसके बाद कभी कभी 24 आवर्स भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है क्लाउड फ्लेयर में सक्सेसफुली एक्टिव हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। यहाँ पे एक्टिव हो जाने से क्लाउड फ्लेयर में आपकी वेबसाइट सेटअप
नहीं होती है, तो यहाँ पे आपके जो आपकी वेबसाइट है इसमें आपको ढेर सारी एरर मिलेगी और आपकी सर्वर के साथ प्रॉपर कनेक्शन नहीं पॉसिबल है। जब तक आप अपने वर्डप्रेस में क्लाउड फेयर का प्लगइन ऐड नहीं करते, तो आपको क्या करना है, आपके डैशबोर्ड में जाना है और आपको क्लिक करना है प्लगइन और यहाँ पे ऐड न्यू पे। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में लिखना है क्लाउड फेयर। जैसे आप वहाँ पे क्लाउड फेयर लिखोगे, यहाँ पे आपको पहले वाला जो प्लगइन है इसे आपको आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको इसे एक्टिव कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सक्सेसफुली क्लाउड फेयर को एक्टिव कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है देखिए यहाँ पे सेटिंग्स और यहाँ पे आपको क्लाउड फेयर पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको जो हमने रिसेंटली सभी प्रोसेस की यानी कि अकाउंट क्रिएट किया, तो आपको यहाँ पे देखिए साइन इन हियर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं ऐड करना है, आपको देखिए API की ऐड करनी है, यानी कि सबसे पहले आपको लिखना है आपका ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे हम ईमेल लिख लेते हैं और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऐड करनी है API की। तो आपके मन में ज़रूर सवाल होगा कि हमें API कहाँ पे मिलेगी, तो देखिए यहाँ पे आपको नीचे एक लिंक मिलेगी गेट योर API की हियर, तो वहाँ पे आपको राइट क्लिक करके इस टैब को आपको करना है न्यू टैब में ओपन। तो देखिए यहाँ पे न्यू टैब ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट इस ब्राउज़र में सक्सेसफुली आप लॉगिन होने चाहिए तो ही ये पॉपअप आपके लिए वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे API की आपका ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, और आपको देखिए यहाँ पे क्लिक करना है व्यू API की, तो इस पर आपको क्लिक करके आपकी API की को देखिए यहाँ पे आपको इसे कॉपी कर लेना है, की प्रेस करके इसे कॉपी कर लिया है, इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे इसे पेस्ट करना है इस तरह से, और इसके बाद देखिए यहाँ पे सेव API कैंडिडेट पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे ये एरर का कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा question.org और यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो सक्सेसफुली क्लाउड फेयर के CDN के साथ लिंक हो चुकी है। तो इसे हम यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से क्लाउड फेयर में अपनी वेबसाइट को आप इंस्टॉल कर सकते हो यानी कि कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्लाउड फेयर यानी कि CDN क्या है, इसे आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, तो आप प्रीवियस वीडियो भी देखना मत भूलिए और आने वाली वीडियो भी देखना मत भूलिए। हम आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से इस डोमेन में यानी कि क्लाउड फेयर का यूज़ करके आप ऐसा सर्टिफिकेट जनरेट करा के आपकी वेबसाइट में लाइफ टाइम के लिए सेटअप। आने वाली वीडियो भी मिस मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।